नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो यूट्यूब में जेसीबी, हर एक जेसीबी में गियर बॉक्स जो होता है और इंजन जो होता है, उन दोनों के बीच में एक टॉर्क कन्वर्टर होता है। यानी कि जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें जैसे क्लच प्लेट्स होती है, तो क्लच प्लेट जो बड़े जो व्हीकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें होता है उसमें टॉर्क कन्वर्ट होता है। और इस टॉर्क कन्वर्टर और चार्जिंग पंप के मदद से ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को जैसा जितना फ्लूड चाहिए उतना फ्लूड मिलता है, और उसी की वजह से जो मशीन है वो टॉर्क कम ज़्यादा लेता है। तो ये जो है ये टॉर्क है, टॉर्क कन्वर्टर का मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी है वो टॉर्क में मल्टीप्लाई टॉर्क में वो कन्वर्ट करके देता है। तो इसके अंदर में इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें एक स्टेटर होता है अंदर में, ये लोग आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर में एक स्टेटर है। और इस स्टेटर में ये जो इसके जो टीथ है, सबके सब टीथ जो है वो अपना जो चार्जिंग पंप है, चार्जिंग पंप के अंदर में ये टीथ मेश होते हैं। और उसके और भी एक अंदर में, और आप देख सकते हैं अंदर में भी टीथ दिख रहे हैं आपको, तो वो टर्बाइन के टीथ है। इसमें टर्बाइन होता है, एक इम्पेलर होता है और एक स्टेटर होता है। जो टर्बाइन होता है वो इसके साथ में अपना इंजन के फ्लाईव्हील के साथ में घूमता है, और उसका प्रेशर जो है, ऑयल का प्रेशर जो है टर्बाइन में जो ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स के जरिए से वो स्टेटर के पास में देता है। स्टेटर से जो प्रेशर है वो मल्टीप्लाइज प्रेशर जो है, इसके अंदर में स्टेटर होता है, स्टेटर से वो वापस इम्पेलर में देता है, और इम्पेलर टॉर्क मशीन को ताकत देता है। तो इस तरीके से इसका वर्क चलता है। इसके अंदर में तीनों जो चीज़ें हैं, इसमें ये जो तीनों जो चीज़ें हैं जैसे कि स्टेटर हो गया, इम्पेलर हो गया और टर्बाइन हो गया, ये तीनों महत्वपूर्ण है। इसके अंदर में थ्रस्ट बेरिंग होता है जो, और एक सीट्स होती है थ्रस्ट बेरिंग के ऊपर एल्युमिनियम की, वो सीट्स अगर किसी कारण खराब हो जाती है तो स्टेटर में प्ले आ जाता है। आप लोग प्ले चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा नॉर्मल सा हिलना चाहिए। और जनरली इसका प्ले जो होता है, टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो एक ही साइड को घूमता है। इसके ऊपर की लग्स भी आपको देखना है, आप लोग ये दो लग्स देख सकते हैं, आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये दो लग्स जो है, ये दो लग्स जो होती है चार्जिंग पंप के अंदर में जाके चार्जिंग पंप को घुमाती है, और चार्जिंग पंप ही ट्रांसमिशन का प्रेशर बनाता है। तो ये दो लग्स जो है इसमें कोई घिसा हो, यानी कि उसमें कोई घिसना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको ये वर्कशॉप से बनाना पड़ता है, या तो आपको टॉर्क कन्वर्टर चेंज करना पड़ता है। टॉर्क कन्वर्टर के ऊपर का ये जो स्लीव है, ये स्लीव के ऊपर भी आपको कुछ घिसा ही नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लीव जहाँ पे बैठता है चार्जिंग पंप का, ये किसी कारण अगर ये खराब हो जाता है तो आपको ये पाइप रिप्लेस भी करके मिलता है, नहीं तो फिर आपको टॉर्क कन्वर्टर चेंज करना पड़ता है। और इसी के वजह से यहाँ से ऑयल आना शुरू होता है, और ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो टॉर्क कन्वर्टर के नीचे के साइड में से लीक होता है। तो इस तरीके से टॉर्क कन्वर्टर का जनरल मैंने आपको बताया, इसके अंदर में कैसा फंक्शन होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Come in, buddy.